हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजयता। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक पोएम लेकर आई हूँ। पोएम का नाम है फॉग। इट इज़ रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। जैसा कि पोएम का नाम है फॉग, फॉग इज़ अ क्लाइमेटिक फीचर। इसको हिंदी में धुंध कहते हैं। जब भी ठंड का मौसम आता है तो सुबह सुबह फॉग क्रिएट हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ धुंधला धुंधला सा ही दिखता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। ये बहुत ही छोटी सी पोएम है। लेट्स स्टार्ट इट। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. A difficult word is there, that is harbor, yani port, ya Hindi mein isko bandargah bhi kehte hain. The fog comes on little cat feet. Yahan fog ko poet ne cat ke saath compare kara hai. जैसे कि बिल्ली जब चलती है तो उसके पैरों में बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, उसके आने का पता किसी को भी नहीं चलता है। कैट बिल्कुल दबे पैर आती है। इसी तरह से फॉग के आने की भी यहाँ कोई आवाज़ नहीं होती, किसी को पता नहीं चलता है कि फॉग आ चुका है। यहाँ पे फॉग और कैट को एक जैसा ही पोएट ने दिखाने की कोशिश करी है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर and city on silent haunches and then moves on. Haunches. Haunches means sitting with knees bent. It sits looking over harbor and city. जैसा कि cat कहीं भी चुपके से आ जाती है और haunches पर बैठ जाती है. Sitting on haunches means knees को bent कर बैठ जाती है. काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठने के बाद, इधर उधर देखने के बाद, cat वहाँ से silently चली जाती है। तो यहाँ फॉग के साथ भी सेम कंडीशन पोएट ने दिखाया है। पोएट सेज फॉग चुपके से आती है, वो हार्बर यानी बंदरगाह और सिटी पर, सिटी में चारों तरफ फैल जाती है, और इट सिट्स ऑन साइलेंट हॉन्चेस। जैसे कि कैट बैठती है वैसे ही वो अपने साइलेंट हॉन्चेस पर बैठती है एंड देन साइलेंटली वहाँ से चली जाती है। अगर समरी कहा जाए इस पोएम का तो वो कुछ इस तरह से होगा। द फॉग इज़ लाइक अ कैट। फॉग बिल्कुल एक कैट की तरह है यहाँ पे। इट कम्स वेरी साइलेंटली, ये बहुत ही साइलेंटली आती है। इट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस जस्ट लाइक अ कैट डज, ये अपने हॉन्चेस पर बैठती है जैसे कि कैट बैठती है बिल्कुल वैसे ही। इट कीप्स ऑन सिटिंग देयर, वो वहाँ बैठी रहती है एंड साइलेंटली गोज अवे, और साइलेंटली वहाँ से चली जाती है। आई होप ये पोएम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।